हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि बोन कहाँ कहाँ कितनी बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैं एक रफली स्ट्रक्चर बनाया हूँ, इसके आधार पे हम बोन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनना, जो बोन होता है ठीक है एक ही चीज से मिल के बनी होती है, और क्या चीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि हमारे बॉडी में कहां पे कितनी बोन प्रेजेंट होती है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में कितनी बोन प्रेजेंट होती है। ह्यूमन के बोन में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 206। कितनी बोन? 206 बोन प्रेजेंट होती है। 206 यानी 206 बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें हमें समझना है कि कहां पे कितना बोन होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले गिनते हैं, एक रफली स्ट्रक्चर के आधार पे हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले अगर मैं माइंड की बात करूं, ब्रेन की बात करूं, सिर्फ ब्रेन की बात करो तो ब्रेन में कितनी हड्डियां होती हैं? स्कल में कितनी बोन होती हैं? 8 बोन हो गई। हमारे जो फेस है, फेस पे कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 14 बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमारा कान है, कान में कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं? कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं? 3 बोन प्रेजेंट होती हैं इस कान में, 3 बोन इस कान में। ठीक है, एक कहां पे होती है, इसका क्या नाम है? स्टर्नम। एक हड्डी यहां पे होती है, एक बोन यहां पे होती है। अब मैं आते हैं बगल पे, ठीक है, हाथों में। यहां पे जो हाथ की जॉइंट होती है, यहां पे अगर मैं बात करूं ये वाली, यहां पे प्रेजेंट होती है, इसका कितने बोन प्रेजेंट होती है? 2 बोन प्रेजेंट होती है। और पूरे हाथों में कितनी होती है? 30 होती है। इस वही हाथों में सेम प्रोसेस होगा, जितनी हड्डियां यहां पे उतना इसमें ही भी होगी, जितना एक हाथ में होगा उतना दूसरे हाथ में भी होगा। ठीक है, पैर की बात करते हैं, पैर में भी 30 हड्डियां इसमें होती हैं, 30 हड्डियां इस पैर में होती हैं। ठीक है, ऊपर एक यहाँ पे पेल्विक होती है, पेल्विक बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक इस साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और भी बात करते हैं, जो हमारा रिब्स है, रिब्स का मतलब समझ रहे हैं, पसलियां जो होती हैं, पसलियां कितनी होती हैं? 24 होती हैं, यानी 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो हमारा बैक बोन की बात कर रहा हूं मैं, बैक बोन यहाँ पे, बैक बोन में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, बच्चों में जो छोटे वाले छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितना प्रेजेंट होता है? हाँ, करीब 30 रहती है। ठीक है, बच्चों में 30 रहता है, और जो बड़े हो जाते हैं यानी एडल्ट में कितना होता है? 26 बोन प्रेजेंट होती है। इन जो डॉट डॉट दिखाए हैं ये बैक बोन की हड्डियां हैं। ठीक है, इसके आधार पे हम समझते हैं, जो एक्सियल बोन होती है, एक्सियल बोन होती है, अच्छी ये बोन होती है, वो कितनी होती है? 80 होती है। ठीक है, अच्छी ये बोन कितनी होती है? 80 होती है। एपेंडिकुलर बोन जो होती है, एपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बोलिए? एपेंडिकुलर का मतलब होता है उपांग। उपांग मतलब ये होता है कि जो हड्डियां हमारे चलने फिरने में मदद करें, उसे कौन सी हड्डी बोलते हैं? उपांगी अस्थि बोलते हैं, यानी अपेंडिकुलर बोन प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, कितनी होती है अपेंडिकुलर बोन? 126 होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 126 के बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनो, ये कहां होती है। 126 के बारे में अगर हम समझें तो उपांगी का मतलब मैं क्या बताया हूं, एपेंडिकुलर का मतलब ये बताया हूं कि वो बोन जो हमें चलने फिरने में मदद करे। ठीक है, कौन कौन आएगा? यहां पे आ जाएंगी 30 हड्डियां, एक इस हाथ में 30 इस हाथ में, 30 इस पैर में और 30 इस पैर में। ठीक है, कितना हुआ? 120। बची कितनी? 6 बोन। ठीक है, तो 6 बोन्स में कौन कौन आएगा, ध्यान से सुनिए। 6 बोन्स में आएगी हमारी पेल्विक बोन, यहां पे देखिए, सॉरी पेल्विक बोन यहां पे होती है, जांघों के जस्ट ऊपर वाली बोन क्या बोलते हैं यहां पे? पेल्विक बोन बोलते हैं। मेल में पेल्विक बोन
थोड़ा कम चौड़ा होता है, फीमेल में ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे दो पैल्विक बोन होती है, एक इस साइड और एक इस साइड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दो और, दो क्लेविकल बोन होती है यहाँ पे, आपको ये हड्डी दिखती ही होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन बोली जाती है। कितनी होती है, एक इस साइड और दूसरी इस साइड। ठीक है, दो बोन होती है क्लेविकल। अभी बची कितनी, चार हो गई ना, दो पैल्विक बोन, दो क्लेविकल बोन और दो स्केपुला बोन होती है। ठीक है, स्केपुला, स्केपुला कहाँ होती है, यहाँ वाली, ये जो बैक वाली होती है ना, ए वाली, इस वाली बोन को क्या बोलते हैं, हम स्केपुला बोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक होती है, एक यहाँ पे होती है, तभी तो मैं यहाँ पे दो लिखा। ठीक है, दो यहाँ हो गया। ठीक है, अपेंडिकुलर के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, जो हड्डियां होती हैं एक किस चीज से मिलकर बनी होती हैं, जो हमारी अस्थि होती है यानी हड्डी होती है उसके बारे में समझा रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर पढ़ने से जस्ट पहले एक बार हमें समझना है कि अस्थियां यानी हड्डियां किस चीज से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, जो हड्डियां होती है हमारी यानी बोन जो होता है, बोन किस चीज से मिलके बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। और जो उपअस्थि होती है यानी बोन मैरो, सॉरी कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज किस चीज से बना, मिलके बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है। ठीक है, किस चीज से मिलके बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है। ठीक है, ये जो बोन होती है हमारी, जो हड्डियां होती हैं, किस चीज से मिलके बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, उपअस्थि, उपअस्थि। ठीक है, उपस्थि, ठीक है, इसका मतलब होता है अस्थि। ठीक है, जैसे दोबारा सुना, जो बोन होती है एक किस चीज से मिलके बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज किस चीज से मिलकर बना होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है। ठीक है, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट कुछ ज्यादा मजबूत नहीं होता। ठीक है, ज्यादा मजबूत किस चीज बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, जो चीज कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, ये हमारे हड्डियों को ज्यादा मजबूत बना के रखता है। कार्टिलेज का मतलब आप समझे होंगे, अगर लेग पीस खाए होंगे, नॉनवेज खाते होंगे, कितना समझ में आया होगा, जो अगर लेग पीस खाते हैं तो उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। जो हड्डी तो दिखती है आपको हड्डी, लेकिन वो हड्डी नहीं होता। ठीक है, वो होता है, क्या होता है, उपअस्थि होती है, यानी कार्टिलेज होता है, जो किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हड्डियों में ओसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कौन सी, ओसीन, प्रोटीन होगा, जबकि कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होगा, कॉन्ड्रिन। ठीक है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होगा। ठीक है, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, जबकि बोन में कौन सा प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आपको पता होगा RBC और WBC हमारे ब्लड हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स होती हैं।
ठीक है, ये कहां पे बनते हैं, हमारा ब्लड कहां पे निर्माण होता है, हमारे ब्लड का निर्माण कहां पे होता है, तो हम कहेंगे बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है, मतलब अस्थि मज्जा क्या होता है, ठीक है, जो हमारा बोन होता है, बोन के अंदर, जैसे अभी नॉन वेज खाए होंगे तो जब बोन तोड़ती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे जैसे कि जाले टाइप लगा होता है, अंदर अंदर उसके प्रेजेंट होता है रेड रेड, वो क्या होता है, बोन मैरो होता है, ठीक है, उसमें क्या बनता है, हमारी ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। सुनिए, इतना समझ में आया, अब आते हैं अपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है, अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती हैं, 126 हड्डियां होती हैं, कौन कौन, ध्यान से सुनो, अपेंडिकुलर में आएगा सबसे पहले हमारे हैंड की, हैंड बोन कितनी होती है भैया, 60, ठीक है, लेग, लेग में कितनी होती हैं, 60 होती हैं, ठीक है, पैल्विक आ गया, पैल्विक, पैल्विक कितनी है, 2, ठीक है, क्लेविकल आ गया, क्लेविकल, क्लेविकल कितनी हो गई, 2, स्कैपुला कितनी हो गई, 2, जरा गिनना कितनी हो गई, अपेंडिकुलर में कितनी आई, 126 बोन आई, ध्यान से सुनो, जो 126 बोन होती हैं, अगर मैं हैंड की बात कर रहा हूं, अपने एक हैंड की बात कर रहा हूं, तो एक हैंड में कितनी बोन प्रेजेंट होती है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हैंड को हम अपर लिम्स भी बोलते हैं, अपर लिम्स, और पैर वाले को हम लोअर लिम्स बोलते हैं, ठीक है, जो अपर वाला है इसको हम याद कराते हैं, सुनिए, ये जो यहां से लेके यहां तक एक बोन जुड़ी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन, क्या बोन, कौन सी बोन, ह्यूमरस बोन होती है, इस वाले को क्या बोलेंगे, ह्यूमरस बोन। अंगूठे के जिस साइड वाला, ऊपर वाली जो यहां पे दो बोन होती, यहां पे दो बोन होती, जो अंगूठे के साइड वाला होता है उसका नाम क्या होता है, रेडियस होता है, इसके साइड वाला, ठीक है, इसी के सपोर्टर वाला, कौन सी बोन होती है, रेडियस, इसके जस्ट बगल वाली कौन सी बोन होती है, अल्ना होती है, रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। अब आते हैं यहां पे, यहां पे कितनी बोन प्रेजेंट होती है, यहां पे 8 बोन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पल, कार्पल कितनी होती है, 8 होती है, जो ज्वाइंट है यहां पे कितनी बोन प्रेजेंट है, 8 बोन प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है, कार्पल, ठीक है, ध्यान से सुनो, कार्पल के जस्ट ऊपर जब आएंगे हम तो यहां पे क्या हो जाएंगे, देखिए, कार्पल से हम कलाई से याद करेंगे, कलाई में कितनी बोन, 8 बोन, सी से कलाई और सी से क्या करेंगे, कार्पल, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, यहां पे आपको 5 बोन दिखाई देगी जिसका नाम होगा हथेली, हथेली वाली बोन में कितनी बोन होती है, हथेली में कितनी बोन होती है, 5 बोन होती है, जिसका नाम देंगे मेटाकार्पल, यानी हथेली के, सॉरी इसको क्या बोले हैं, कलाई, कलाई से जस्ट ऊपर वाली बोन क्या होगी, हथेली वाली, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल, कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। अब मेटाकार्पल के बाद आता है फेलेंगस, फेलेंगस ये उंगलियों से हम याद करेंगे, फिंगर से याद करेंगे फेलेंगस, ठीक है, कितनी होती है, 14 होती है, कैसे 14 होती है, 3-3 बोन यहां पे प्रेजेंट है, जबकि अंगूठे की बोन सिर्फ 2 होती है, ठीक है, अंगूठे में सिर्फ 2 बोन प्रेजेंट होती है, और सब में कितनी कितनी बोन, 3-3 बोन प्रेजेंट होगी, ठीक है, हीरिंग हो गया, 3 चौके 12, 12 2 14, ठीक है, यहां पे हो गया। दोबारा समझते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंगस, क्या नाम है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, अरे कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंगस, ठीक है। अगर मैं एक हाथ की बात करूं तो एक हाथ में 30 हो गए तो दूसरे हाथ में भी सेम ही होगा, क्या होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंगस, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मैं पैर की बात करूं, ठीक है, तो हमारे पैर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, लोअर लिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक होती है फीमर, उसके जस्ट नीचे जहां पे आपकी गांठ वाली होती है ना, ए वाली, इस जॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पटेला,
कौन सी बोन? पटेला। एक यहां पे होती है जबकि हाथ में नहीं होती है, ठीक है। यहां पे कौन सी बोन होती है? पटेला होती है। अब पटेला के जस्ट नीचे अंगूठे के साइड वाली को क्या बोलते हैं? टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया। देखिए यहां पे कौन सी बोन होती है? टीबिया होती है। और अंगूठे के जस्ट साइड वाली, जैसे मैं आगे जैसे मैं पैर की बात कर रहा हूं, सपोज दैट, ठीक है, ये मेरा पैर है सपोज दैट, तो जो अंगूठे वाली साइड है ना, ये वाली जो बोन है यहां से यहां तक की पैर की, उसको हम क्या बोलेंगे? टीबिया। और एक को क्या बोलेंगे? फेबुला बोलेंगे, ठीक है। जब जाएंगे पैर पे, पैर वाली जॉइंट पे यहां पे, तो यहां पे क्या होंगे? यहां पे टार्सल होंगे। कितने टार्सल होंगे? 7 टार्सल होंगे। कितने होंगे? 7 टार्सल होंगे। और टार्सल के बाद आते हैं मेटाटार्सल, जो पैर वाली फिंगर होती है यहां पे, फिंगर से जस्ट हथेली जो पैर वाली होगी उसको क्या नाम देंगे? मेटाटार्सल। कितनी होंगी? 5 होंगी। और फेलेंगस आ जाएंगे पैर वाले में, ठीक है, उसमें भी कितने होंगे? 14 फेलेंगस होंगे, ठीक है। आगे चल समझते हैं, देख, ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए 6 बोन बची, 30 ही साथ में, 30 ही साथ में, 30 इसमें, 30 इस पैर में, हो गया 60, 120, ठीक है। बची कितनी? 6 बोन बची है। अब 6 बोन में कौन कौन बोन आती है, ध्यान से सुनो, इसको हम क्या बोलते हैं? 6 बोन में गार्डियल बोन बोलते हैं। 6 गार्डियल बोन होते हैं।